वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडेस व्लॉग इज ऑल अबाउट शॉपिंग बिकॉज टुडे आई एम गोइंग शॉपिंग फ्रॉम Zudio। बिकॉज आई हर्ड सो मेनी टाइम Zudio एंड आई हैव सीन सो मेनी व्लॉग्स अबाउट Zudio, सो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा मन था कि मैं एक बार वापस से जाकर शॉपिंग करूँ और देखूँ, बिकॉज आई नेवर बाय एनी थिंग फ्रॉम Zudio, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और मैं जाके वहाँ पर देखने वाली हूँ, चेकआउट करने वाली हूँ कि क्या वहाँ पर है सामान शॉपिंग के लिए, बजट में होता है बस इतना पता, पर कैसा है मटेरियल क्वालिटी आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस। बट अब मैं जा रही हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करने Zudio को, और आप भी साथ में मेरे एक्सप्लोर करना और बने रहे इस वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइज वी हैव रीच्ड Zudio, वो मेरे बिल्कुल सामने है। सो सबसे पहले ही Zudio में एंटर करते ही मैं गई हूँ टॉप्स वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के टॉप्स दिख रहे हैं, पिंक वाइट ब्लू शर्ट चेक चेक में। सो यहाँ पे मैंने बहुत ही अलग अलग टाइप के टॉप्स देखे हैं। उसके बाद मैं सीधा गई टी शर्ट्स वाले सेक्शन पे, और फाइन टी शर्ट्स वाले सेक्शन में भी टी शर्ट्स थी और अलग अलग टाइप की, और वो सिर्फ 199 से थी। तो 199 में इट्स नॉट अ बैड डील फॉर मी, आई लाइक इट। उसके बाद मैं यहाँ पे गई शूज़ वाले सेक्शन पे, जहाँ पे ये वाइट कलर के कुछ शूज़ थे। आई लाइक वाइट शूज अ लॉट, बट यहाँ पे जो शूज थे थोड़े अनकम्फर्टेबल थे। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे थोड़े से और टॉप्स देखे, बहुत ही ब्राइट ब्राइट कलर थे। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज इस वाले टॉप को लूँ या ना लूँ। एट द एंड मैं नहीं ले पाई बिकॉज वो मिला ही नहीं मुझे लास्ट में मेरे साइज़ का, स्मॉल साइज़ का। उसके साइड में ये वाइट था जो इतना अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने और टॉप्स देखे, यहाँ पे ये ब्लू है, उसके पीछे ब्लैक है, ग्रीन है, पर मुझे मेरे लिए कोई टॉप अभी तक पसंद आया ही नहीं। यहाँ पे स्टिल सर्चिंग, कुछ तो मिलेगा यार। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, पर यहाँ पे ये जिसका नेक था बहुत ही ज़्यादा डीप था, इसलिए मैंने ये भी नहीं लिया। उसके बाद मैं गई थोड़ी ड्रेसेस देखी, मैंने ये देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसके पीछे पर्पल भी है, और ये कुछ अलग अलग टाइप की ड्रेसेस थी यहाँ पे जो मैंने देखी, बट इतनी कुछ खास मुझे समझ नहीं आ पाई यहाँ पे ड्रेसेस की कौन सी लूँ कौन सी, बिकॉज ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी। एंड देन हम लोग गए मेन सेक्शन में, बिकॉज रोहित को भी अपने लिए कुछ चीज़ें चेकआउट करनी थी, तो उसने भी, हमने सोचा क्यों ना मेन सेक्शन पे भी एक्सप्लोर करा जाए थोड़ा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी सेल चल रही थी मेन सेक्शन में, सो सिर्फ 399 की ये सब टी शर्ट्स थी, और बहुत कूल लग रही है। आई थिंक कंपेरिजन टू गर्ल्स मुझे बॉयज़ के टी शर्ट्स ज़्यादा पसंद आई यहाँ पर, बट मैं ये नहीं ले सकती अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मुझे ये साइज़ बहुत बड़ा होगा और मैं पूरी ढक जाऊँगी इस साइज़ में। सो हमने और चीज़ें चेकआउट करी यहाँ पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित कंटिन्यूसली अपने लिए टी शर्ट्स चेक कर रहा है। ये यहाँ पे कुछ शर्ट्स हैं अलग अलग पैटर्न में, बहुत ही अलग अलग फैब्रिक था ये, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, यहाँ पे प्रिंटेड में भी था, सिंपल में भी था, और सब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थे, सारे 399 या 499 के रेंज में ही थे। उसके बाद हमने यहाँ पर टी शर्ट्स देखी जो सिर्फ और सिर्फ 199 में थी, सो 199 में टी शर्ट्स इट्स अ ग्रेट डील फॉर मी। तो स्टिल वी आर डूइंग सम खोज, बिकॉज अभी तक हमें कुछ पसंद का नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे कुछ प्रिंटेड शर्ट्स मिली हमें जो ठीक लग रही है, ठीक ठाक आई थिंक। एंड उसके बाद हियर आई एम, हेलो। फिर मैं गई गर्ल सेक्शन पे, और मैंने कुछ यहाँ पे फ्लैट्स देखी सिर्फ 199 के रेंज में। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप घर पे पहनने के लिए कैसे भी करके, और भी बहुत अलग अलग टाइप यहाँ पे हील्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक। फिर अगर आपको कुछ एथनिक वेयर में पहनना हो तो आप पहन सकते हैं। आई फाइंड दिस वाइट वेरी 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 क्यूट, बिकॉज मुझे ये सबसे ज़्यादा यही क्यूट लगी थी यहाँ पर एथनिक वेयर के नीचे पहनने के लिए। लास्ट फिर मैं गई कॉस्मेटिक सेक्शन पे, और यहाँ पे मैंने देखे परफ्यूम्स, कुछ Zudio के ही परफ्यूम्स हैं जो ओनली 99 के रेंज में है। देन आई फाइंड दिस वेरी क्यूट पैक ऑफ 4 नेल पेंट्स, दिस इज़ वेरी 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 क्यूट, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे, और सिर्फ 199 के रेंज में गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉयज़ सेक्शन पे शूज़ देखे जो बहुत ही कलरफुल है, बट मेक श्योर ये कम्फर्टेबल आप पहन के ज़रूर देखे। एंड इसके बाद मेरी शॉपिंग हो चुकी थी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी चेकिंग शॉपिंग हो चुकी है, उप्स बज गई टकराने से।
बट यस फाइनली मेरी शॉपिंग हो चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, तो आपको मिलते सीधा घर पे। सो गाइज आई हैव रीच्ड होम। बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई थॉट कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग क्या करी है। सो लेट मी शो यू गाइस, फर्स्ट दिस इज द शॉपिंग बैग। सो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, नॉट सो मच बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग माय काइंड ऑफ स्टाइल ओवर देयर। सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, बट जो भी की है लेट मी शो यू। सो इस मैंने फर्स्ट ये एक सिंपल सा क्रॉप टॉप है, सिंपल सी बस एक सिंपल सी टी शर्ट है जो मैंने ली है यहाँ पे। और ये वैसे तो 299 की थी, कैन सी 299 की थी, बट सेल में मुझे ये मिली है सिर्फ और सिर्फ 149, मतलब सिर्फ 150 रुपये के लिए। मतलब यकीन तो नहीं हो रहा मुझे कि 150 रुपये में कुछ मिल जाएगा, बट सच में यार आई एम सुपर हैप्पी क्योंकि मुझे 150 रुपये में ये टी शर्ट मिली है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सस्ते महंगे कपड़े, बट हाँ 150 रुपये की टी शर्ट मिलना बहुत ही बड़ी बात है। बिकॉज आज के दौर में 150 रुपये में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। अपनी जूडियो में मुझे 150 रुपये की टी शर्ट मिली, आई एम सुपर हैप्पी। और इसके बाद मैंने ये नॉर्मल टी शर्ट लिया घर में पहनने के लिए जस्ट ऐसी, क्योंकि वहाँ पे जो टॉप्स थे वो थोड़े बहुत आई डोंट नो समझ नहीं आ रहे थे मुझे कुछ, तो ये मैंने सिंपल सी टी शर्ट ली जो है 199 की। तो ये भी ठीक था 200 रुपये में, ठीक है यार, तो सस्ती सस्ती शॉपिंग कर सकती हूँ। बट ये कि ये शॉपिंग जो है मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, तो इसे घर पे ही पहन सकती हूँ मैं इसे। ओके एंड ये टॉप जो मैंने लिया है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, थोड़ा क्रॉप टॉप है और शर्ट टाइप का ये, और इसका कलर और इसमें जो फ्लावर्स थे मुझे बहुत प्यारा लगा। और ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास ऐसे कलर मतलब इतना, सो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं था यार, कितने का था, 399 मतलब 400 रुपये का, नॉट बैड यार 400 रुपये में टॉप। और इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं पहन सकती हूँ इसको अच्छे से, मतलब पहन सब सकती हूँ, बट ये नॉर्मल घूमने फिरने में वैसे पहन सकती हूँ ये, ठीक है। बट आई एम हैप्पी, इतनी सस्ती शॉपिंग करके मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज बहुत ज़माने हो गए इतनी सस्ती शॉपिंग करी। बचपन में कर लेते थे क्योंकि तब मैं पैसे अर्न नहीं करते थे, बट जब से जॉब करना स्टार्ट करी तब से इतनी सस्ती चीज़ें, चल सुपर है। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडर लिया है बस, क्योंकि मेरा जो ब्लेंडर वो ख़राब हो चुका था बहुत दिन हो गए, तो मुझे ये चाहिए था, मुझे वहाँ दिख गया तो मैंने ले लिया। ये भी कुछ 79 रुपीज़ का, आई डोंट नो वैसे कितने का मिलता है यूजुअली, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है, बट ये। और उसके बाद मैंने इसका लिया था, वो कौन सा, यस 4 पीस ऑफ द स्नेल प्रिंट, तो मैंने ये भी लिया। आई फाइंड दिस वेरी क्यूट, कैन सी 4 कलर इसमें, और ये 4 कलर आई थिंक ज़्यादा नहीं, तो ये 199, तो मतलब 50 ईच, नॉट बैड। वैसे नॉर्मली भी इतना ही मिलता है मेरी प्रिंट, आई डोंट थिंक ज़्यादा महंगे मिलते हैं मेरे, बट ओके। सो ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी, इस बैग को हम पैक कर देते हैं। सो यस ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने जूडियो से करी है, और यस बस इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आजकल मैं थोड़ा शॉपिंग के ब्लॉग ज़्यादा बना रही हूँ आई थिंक, बिकॉज शॉपिंग करने में किसी मज़ा नहीं आता गाइस, और लड़कियों को तो स्पेशली बस बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। सो मैं शॉपिंग करने का जो भी मुझे मौका मिल रहा है तो मैं सब व्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स मेरे चैनल पे आए, इसलिए मैं शॉपिंग व्लॉग ज़्यादा शूट कर रही हूँ आजकल इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। बट हाँ आई विल कंटिन्यू ऑल काइंड ऑफ व्लॉग, ऑल टाइप ऑफ व्लॉग, चाहे वो ट्रैवल हो कुछ भी हो। पर अभी अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। All right.